हूँ कपिल और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज। हम बात कर रहे हैं नेताजी मुलायम सिंह यादव के बारे में, जिनके ऊपर जो है वो लगातार बयानबाजी हो रही है, यानी कि उन्हें भारत के दूसरे सर्वोच्च सम्मान पद्म भूषण से नवाजा गया था। मोदी सरकार ने 26 जनवरी को इसका ऐलान किया और उसके बाद से लगातार जो है वो यादव परिवार इसको लेकर जो है वो बयानबाजी करता हुआ नजर आ रहा है। अगर डिंपल यादव की बात करी जाए तो उन्होंने भी इससे नाराजगी जताई थी और कहा था कि अगर कुछ देना ही था तो भारत रत्न के का जो सम्मान है, जो सर्वोच्च सम्मान माना जाता है, वो देना चाहिए था। अब इसका जो है वो पलटवार यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने किया है। सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा है कि नेताजी का अपमान किया गया पद्म भूषण देके और उनको भारत रत्न देना चाहिए था, बीजेपी ने उनका। अभी हम लोग शिक्षा के मलसी चुनाव लड़ रहे हैं और आप सब इस चुनाव में देख रहे हैं जिस प्रकार से उत्साह से लोग आए हुए हैं और नेताजी श्री मुलायम सिंह यादव जी के प्रति भारतीय जनता पार्टी कभी भी कोई भेदभाव नहीं करती है और नेताजी को जो पद्म विभूषण का सम्मान दिया गया है माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का और केंद्र सरकार का मैं हृदय से स्वागत करता हूं और यह निर्णय लेने का काम और साहस भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है, क्योंकि पूर्ववर्ती जब देश और प्रदेश में सरकारें थीं तो एक परिवार और एक जाति और एक समुदाय तक सीमित रहते थे, लेकिन मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि कभी भी कोई राजनीतिक मतभेद हमारे किसी से भी हो सकते हैं, लेकिन जब सम्मान देने का काम कभी अवसर मिला है तो चाहे बाबूजी कल्याण सिंह जी को पद्म विभूषण से सम्मानित करने का काम मरणोपरांत उनको भी दिया गया था और आज नेताजी मुलायम सिंह यादव जी जो उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और देश के रक्षा मंत्री रहे उनको भी ये सम्मान दिया गया, क्योंकि दोनों लोग उत्तर प्रदेश से आते हैं, इसलिए मैं बहुत स्वागत करता हूं, सम्मान करता हूं, धन्यवाद। उन्होंने कहा है कि अगर मोदी सरकार की बात करी जाए तो 2014 में मोदी सरकार बनी थी और उसके बाद से लगातार जो सम्मान के पात्र हैं, यानी कि जो सम्मान के अधिकारी हैं, उन्हें सम्मान दिया जा रहा है, चाहे वो भारत रत्न हो, चाहे पद्म विभूषण हो या फिर पद्मश्री हो। मुलायम सिंह यादव की अगर बात करी जाए तो उनके राजनीति में कंट्रीब्यूशन को देखते हुए सरकार ने उन्हें सम्मान दिया, हालांकि ये कहा जा रहा है कि इसके राजनीतिक मायने भी हो सकते हैं। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि मैं गर्व करता हूं पीएम मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार सबका साथ सबका विकास सबको सम्मान की भावना के साथ काम करती नजर आ रही है। और अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करी जाए, यानी कि मोदी सरकार की बात करी जाए, तो किसी के साथ भेदभाव नहीं कर रही है। अब यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की बात में कितना दम है ये तो जनता ही बताएगी, लेकिन फिलहाल आपको ये भी बताते चले कि अपर्णा यादव ने जो सम्मान नेताजी की याद में दिया गया है उसको लेकर उन्होंने स्वागत किया है। उन्होंने कहा है कि जो सम्मान दिया गया है वो काबिले तारीफ है। अब इसको लेकर अगर राजनीतिक मायनों की बात करी जाए तो ये कहा जा रहा है कि यादव परिवार जो यादव कुनबे का वोट बैंक लेकर चलता था वो कहीं ना कहीं अब भारतीय जनता पार्टी के साथ जा सकता है, सेंधमारी करने की कोशिश की गई है, इस तरीके के आरोप भी लगाए जा रहे हैं। आपका क्या सोचना है इस पर कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल देखते रहिए नेक्स्ट नाइन न्यूज। इस खास पेशकश में इतना ही, नमस्कार।